सच बताऊं ये वाली फ्लाइट का जो एक्सपीरियंस पागल लड़की थे यार, पता है थोड़ा सा हो गया था घर में कुछ चाटा मारू क्या मैं? मस्त मस्त सुंदर सुंदर चूड़ियां। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आशीष तिवारी। तो यहाँ पर अभी वीडियो कॉल पर शुभा भी है, ताशी भी है और अंशुल भी है। और यहाँ पर एक साइड है नीतू दीदी और एक साइड है हमारे भाई साहब और निक्की भैया जो है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं सच बताऊँ ये वाली फ़्लाइट का जो एक्सपीरियंस है ना वो इतना अच्छा है, मतलब एकदम एंटर करते हो। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मैं इसमें ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या इसका मतलब कैसे इसको डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइन किया हुआ है। हे गाइस ये एयर इंडिया की फ़्लाइट है और पहले जब मैंने ट्रैवल किया था तो इंडिगो फ़्लाइट में किया हुआ था। इतनी अच्छी डिज़ाइन की हुई, इतनी लग्जरी फ़्लाइट है ना कि इसका एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ की जो एयर होस्टेस थी ना वो भी इतनी टॉप क्लास थी। ये है एयरफोन जो कि हम साथ में लेकर आए थे। इस एयरफोन को आप यूज़ कर सकते हो अपने जो स्क्रीन है, सभी को अलग अलग स्क्रीन दी हुई है ताकि अपना टाइम पास कर सकें, मूवी देख सकें, जो भी आपको देखना हो। तो इसको मैंने ओपन किया और फिर मेरा भाई मुझे बता रहा है कि इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करना है। और मैंने चक दे इंडिया मूवी देखी, जब तक हमने सफ़र किया तब तक मैंने मूवी देखी। तो बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस, अच्छा लगता है, कुछ नया सीखने को मिलता है ना तो बहुत खुशी होती है जब हम बाहर निकलते हैं और कुछ भी नया सीखते हैं, नया देखते हैं तो अच्छा लगता है। आप भी अगर कभी फ़्लाइट में सफ़र करें तो एक बार इस वाली फ़्लाइट में ज़रूर से आप ट्रैवल करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जैसे हमें सारी बातें समझाई जाती है ना कि कुर्सी की पेटी कैसे बांधना है और कैसे आप अपने आसपास की चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने का तरीका इतना यूनिक था ना, इतने अच्छे से सारी चीज़ें समझाई जा रही थी, स्क्रीन कैसे यूज़ करना है और आपको कैसे क्या करना है। क्योंकि जो लोग पहली बार सफ़र करते हैं उनको अच्छे से समझ में नहीं आता है, धूम्रपान नहीं करना है, इस तरीके की जो चीज़ें थी ना, मुझे इतना अच्छा इनका जो ये कॉन्सेप्ट था ना लगा, ये स्क्रीन पर चल रहा था और बहुत अच्छे से समझाया हुआ था ताकि लोगों को इंटरेस्ट भी आए सारी चीज़ें देखने के लिए और वो समझ भी जाएं। सारे इंस्ट्रक्शंस जब कंप्लीट हो जाएंगे ना उसके बाद आप जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी स्क्रीन पर जो भी चाहें वो देख सकते हैं। एयरफोन इसीलिए दिए हुए हैं। और फिर यहाँ पर आया हमारा डिनर और जिसको देख कर हमें इतना दुख हुआ ना, क्योंकि हमने एयरपोर्ट पर 1700 रुपये का जो हमें खाना था वहाँ पर हम अपना नुकसान करके आए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमको यहाँ पर डिनर भी मिलेगा। और सच में इतना टेस्टी था ना, क्योंकि स्वीट में जो था वो हमने खाकर देखा था और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो हम जो भी नॉनवेज जो खाते हैं उनको अलग से मिला था, वेज वालों को अलग से मिला था। ये दाल चावल और सब्जी साथ में दी हुई है, दही दिया हुआ है, ब्रेड है। और स्वीट में वो क्या चीज़ थी वो हमको समझ में तो नहीं आई, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। उसको आइसक्रीम बोलें या क्या चीज़ बोलें कुछ हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी था बड़ा अच्छा था। और यहाँ पर हम लोग पछतावा अपने अपने दिल में लिए बैठे हैं कि हमने अपना इतना ज़्यादा नुकसान कर लिया 1700 रुपये का। अगर हम वहाँ से खा के नहीं आते तो कम से कम ये जो खाना था ये भी वेस्ट नहीं जाता और वो हमारे पैसे भी वेस्ट नहीं जाते। तो यही बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और फिर इसके बाद जब हम फ़्लाइट से उतरे तो हमने मैसूर के लिए यहाँ बस ले ली थी और बैठते ही हम कब सोए हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि इतने ज़्यादा थक गए थे ना, पूरे दिन का सफ़र हो गया था। इसलिए हम सीधे जहाँ हमारा जाना था, हमें पहुँचना था, सीधे वहीं जाकर हमारी आँख खुली। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हमारी जो सुबह है वो हो रही है 12:30 बजे, क्योंकि आकर हम लोग सो गए थे। इधर देखो दोनों मोबाइल में घुसे हुए हैं कि हमारी तीसरी कॉफ़ी है, क्योंकि चाय ऑर्डर करी ना तो वो बहुत ज़्यादा मीठी आ गई, मीठा हम लोग पीते नहीं हैं। तो ये अभी हमने कॉफ़ी ऑर्डर करी है। चिनो इसमें से भी ले ले, दीदी इसमें से ले लो थोड़ी, नहीं। और आज हमारा जो काम था, हमको काम करना था, लेकिन अभी तबीयत से कुछ ठीक नहीं लग रही क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ हो गई ना। अब तो अब धूप में ना भी करके हम कल करेंगे हमें जो भी करना है। तो आज देखेंगे यहाँ पर जो भी आसपास में होगा वहाँ पर देखने के लिए जाएंगे कैसा क्या होगा, तो आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करेंगे। गाइस मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए, क्योंकि नीतू दीदी नहाकर हो गई रेडी। गाना मत गाना, बस तुम्हारे गाने से कॉपीराइट आता है। कैसी दिख रही है ये? आज मैं महिषासुर की नगरी में हूँ तो तू देख तेरा क्या करती हूँ। आज हम दोनों बस इस रूम में। मैंने सूट पहन लिया, मुझसे कहती क्या देहाती हो, जैसी साड़ियाँ ही साड़ियाँ लाती हो।
तो अभी रूम में कोई भी नहीं है, तो अभी तो बनता है यार। ओ दीदी अब रोशनी अच्छी है, अब नाचो। यहाँ पे ऐसे डांस होता ना, साउथ ही है ना ये। हैटर यहाँ के लोग बोलेंगे हमें साले नाच। अगर कोई देखने आता होगा तो मैं भी यार रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि हमारी एक और साथी यहाँ पर आने वाली है, पेश होने वाली है इसी दरवाजे से। स्टार्ट कर दिया मैंने। सो गाइज आप देख सकते हैं नेहा आशीष तिवारी यहाँ पर टैकिंग बात करके आ चुकी हैं बाहर। देखो कॉलर वॉलर लपेटते हुए, अपने कॉलर को ऊपर करते हुए, अस्तिन को ऊपर चढ़ाते हुए। ये अच्छा लग रहा है एकदम गुंडे टाइप। आशीष जी ऐसे ही करते थे पता, अस्तिन ऐसे चढ़ाते ही रखते थे। क्या बात, तो मैं भी उन्हीं की बीवी हूँ। अभी दो चार आठ को मार डालेगी बाहर जाके। बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुंदर। प्रमोशन गाइस, प्रमोशन, हमारी जिंदगी प्रमोशन। हम तो खुद ही उस पे जीते हैं। हमारी जिंदगी प्रमोशन से शुरू, प्रमोशन पे खत्म। खुशियों का वो आंगन कहा, इंस्टाग्राम हे गाया। हमारी खुशियों का दीदी, आपका भी हैप्पी बर्थडे निकला ना, मैं आपसे मिल नहीं पाई थी, लेकिन मैं आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आई। क्या लेके आई है? दूंगी अभी थोड़ी देर से, अभी थोड़ा सांस। नहीं अभी दिखा दे तू तो, फिर आप बोले ही क्यों? नहीं मेरे को सांस लेने तो पहले। मैं आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आई हूँ। पहले सांस ले, जल्दी चल ले। हाँ चल अब दिखा। अरे यार दीदी दिखाऊंगी अभी, एकदम दिखा दे। आपको देख के एकदम मन भावन खुशी हो जाएगी। नहीं तो दिखा ना साड़ी। लाई साड़ी तो तुमको इतनी आती रहती है यार। तो गोदरेज तो तू यहाँ रख के ला नहीं सकती। गोदरेज की अलमारी। इसको अलमारी चाहिए साड़ी। मैं उससे भी अच्छी चीज लेके आई हूँ यार। हो गया? हाँ हो गया। 12 बजा दी? बजा दी। तो अब चल लाइन पे आ जा। ले बता यार क्या लाइए प्लीज यार बहन। ऐसे नहीं बताऊंगी, ऐसा मत कर कर, या तो फिर बोला ही मत कर लपड़ लपड़ के मेरे को। ऐसे ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुरंत बोलो तुरंत करो वाला काम पसंद है मुझे। हाँ चल बता। अरे यार रखना, बस लाई हूँ तुम्हारे मतलब की चीज़। नहीं तो पहले बता। बहुत अच्छी चीज लाई। बता ऐसे चिल्ला के गिफ्ट कौन मानता है? तो बोले ही क्यों कि लाई गिफ्ट। मैंने बोला था तो मुझे बता गिफ्ट। मेरे खजाने में से निकलेगा में रखा है कि उसमें रखा है यार मैंने, हमारे बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास मेरे से पुलिस वाला ने बोला बोर्डिंग पास तो मिला क्या, वोटर आईडी कार्ड। नहीं मैडम आपके साथ जो है आप उनसे बात कर रही आप बात तो हट जाइए। आप जो आपके साथ आया उसको लेके आइए मुझे बोलता। देखो हमें प्लेन में जो एयरफोन मिले थे हम वो भी रख लाए, क्योंकि पैसा दिया हुआ है भाई, हमको मिला है फ्री में मिला है। पर मेरे पास अच्छा ये मेरा भी होएगा एक। अच्छा एक तुम्हारा भी है। मैं सोची यार दो दो का पान मसाला किसने पानी बेकार में चीनी रह। अरे दिखा दे यार। अरे तो सफाई करने बैठ गई पर्स की। अब देखो टन टडन इसको हटाते हैं। अच्छे से रोशनी आ रही है? हाँ आ रही है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, पहले आप आईज क्लोज करो मैं आपको दिखाती हूँ। देख तो जरा 0.5 पे मेरा वीडियो बना रहे बदतमीज। ऐसा चाटा मारूंगी, तूने ही तो निकाल के दिया था, सेट करके कैमरा पकड़ा रही हूँ। हाँ नहीं तो चलो चल दिखा दिखा। हाथ बताओ, इसको खोलना नहीं अभी ठीक है, आँख मत खोलना मतलब ठीक है। तो अब आप अपनी आँखें खोल सकती हैं। अच्छा बेटा इसलिए तो फोन पर बोल रही थी मुझसे। तो कैसा लगा आपको? हाथों पे रखो। वाह यार नेहा। तो नीतू दीदी का जो इयररिंग था वो टूट चुका था, तो हमने सोचा कुछ ऐसा देते हैं नीतू दीदी को जो उनके काम आए। तो ये छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट आपके लिए, क्योंकि मेरे हीरे जैसी दीदी के लिए हीरे का मैं आगे आते वाले साल आपको ज़रूर से दूंगी। अभी फ़िलहाल इतना ही, इतने में सेवा समाप्त। अच्छा लग रहा,
आपको मैं एक बार पहनी थी ना, मेरे को शुभा ने दिया था, तो आपको अच्छा लग रहा था डिजाइन? अच्छा लग रहा? ए चाटा मारूं क्या? लाओ मैं पहनूं। बहुत अच्छा लग रहा है। ए पागल लड़की। थैंक यू। अच्छा है ना, इसकी मैं यहाँ लेके आई। पता है मैं आपसे मिल नहीं पाई थी ना, इनके बर्थडे पे मिल नहीं पाए थे यार, पता है थोड़ा सा हो गया था घर में कुछ। बहुत सुंदर लग रही है यार डिज़ाइन, बहुत प्यारी लग रही है। अच्छी लग रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है ना ये वाली डिज़ाइन। हाँ शुभा ने तुझे दिए थे ना? हाँ। है ना, मुझे अच्छे लगे थे। कान में लगा के बताओ। तू पिना ना मेरे को, तू पिना। रुक जा, अभी इतनी देर रहते नहीं मैंने कम उससे। तू तो पिना ही नहीं, रहते नहीं मैंने कम उससे। मैं पकड़ती हूँ, चल। तो ये हमने पहनाया है, ये ऐसा वाला है घुमाने वाला पेज। ऐसे कर दे, ऐसा वाला नहीं है वो। अरे तू तो अंदर की साइड उसको फंसा के डाल, टाइट पेच रहे थे ये वाले गोल वाले। अरे मेरे को छेदा ही नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ उसका? ये इसमें गया, ये वो घुमाना किस साइड है बस। अरे उसको ऐसे यूं कर, ऐसे प्रेस कर। नहीं है, कर तो प्रेस। करूँ? उग जाएगा ना साला पहनाने से पहले। रोना यही बैठ के। ऐसे लगा देती, फिर अच्छे से लगा दूंगी। हाँ दोनों में पहना तो दोनों में पहना ना। देखो इस साइड खुला है तो इस साइड बंद होगा, समझ गई? पता नहीं मुंडी, समझ लेना थोड़ा बहुत अगर कुछ कट पिट जाए तो। मेरे तो हमेशा ही कटता है। कितना लगा के दिया यार ये। दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अब वो फ्लैश की लाइट पड़ रही है। क्या नॉनसेंस बात करी आपने, दिखना चाहिए। अरे तो चल दीदी, चल इसके टिप्पी लगा ले, इतना भी नहीं हो रहा। हाँ ले, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो वो हमें नहीं करता है। I love you, I love you. आगमन हो चुका है, वाह भाई आ चुकी है शबरानी। शबरानी कहो तो अभी जान दे। क्या खा रही? जल्दी बता भैया, मैंने कर दिया ऑर्डर। दाल चावल आलू गोभी। क्या खाऊंगी मैं? नहीं बोल रही तेरे से। मारूं क्या तेरे को पकड़ के? चाटा मारूं क्या मैं? मेरे से नहीं ना, इधर से कूद के जा, गिर जा इसके ऊपर, तोड़ दे। हेलो बेटा, बुआ नमस्ते। इतनी देर में सुन पाएंगी बुआ? हाँ इतनी धीरे से भी सुन लिया बुआ। सुन लिया पहले बुआ, इतनी धीरे बोलती थी, अभी जाके ऐसी हो गई है। ये तेरा प्रमोशन है? नहीं मैं भी नहीं लेके आई। मैं भी लेके आई ऐसे ही, सेम सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है बस। तो हम लोग अलग अलग जगह पर थे, तो एक जगह पर आ गए हैं। ये मेरे से बोल रही थी कि भैया तू जानता नहीं होगा, मेरे को मैं वीडियो कॉल कराता हूँ, मैंने देख लिया वही है। अरे यार बहुत टैलेंटेड हो यार, बिल्कुल मेरी तरह ही हो, सेम टू सेम। मेरी तरह सेम टू सेम। अरे अच्छा, मैंने इन सबको बताया कि मेरी आपसे बात होती, कोई मेरे से भरोसा नहीं करता मेरे। मैं रुको वीडियो कॉल कराता हूं, मैं बात करा रहा हूं आपकी। वीडियो क्या होती भाई, सुपर वीडियो होती। थैंक यू सो मच, आपने इतना वीडियो कॉल किया, और मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसी बात करूंगा उनसे, ठीक है? गोपाल आओ जल्दी आपको, है ना? तो ये हमारा ये आई थिंक ये राइस राइस होंगे इसमें, आई थिंक। दीदी हां, तुम्हारा कौन सा है? दीदी अपन का बोले केस नहीं, तुम्हारा केस नहीं। ये मेरा है। हां
तेरे पैसे तुझे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, तू हम पे विश्वास कर। मेरे को तुम पे तो कतई विश्वास नहीं। तू विश्वास नो 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 लगरी बाजा तू भी मुँह मीठा करो सकर से। ये हमारा मीठा तू खा रही नहीं चुन चुन काटेंगे खा ले अंकल अंकल क्या बोल रही है इल्ले उल्ले। जाते हैं सोने की राह में सोने को जगह नहीं। इसको बहुत अच्छा भाई बोलते हो ना आप लोग। या है बिजुरिया बहुत अच्छा भाई बोलते हो ना। बाल मत बिगाड़ना कुत्ते। कुत्ता का भाई क्या होती है? कुत्ते का बहन क्या होती है? कुत्ता का भाई क्या होती है? कुत्ते की बहन क्या? ऐसा मत बोल, इंग्लिश में तो बोल डॉगी। या है बोल डॉगी। तुम लेके आई हो तुम्हारा निकाला नहीं। पांच लोग तो बन जाएंगे। भैया अभी कहाँ ले जा रहे हो? शॉपिंग। फिर शॉपिंग के बाद आपके घर खाना। भैया कौन कराएंगे शॉपिंग? अपन को करना पड़ेगा। अरे बात की बोल रही हो, फिर भैया के घर चलेंगे अपन खाना खाने। निकल ले चल अल्ले उल्ली अल्ले। अरे यार भैया आपके अगर वही गाना बना था ना इंड्री पोंड्री उंड्री के उंड्री पोंड्री कुंड्री के, वो गाना ना, इसका मतलब क्या है? लेकिन भैया की लैंग्वेज में एक वीडियो बनाना। भैया भैया उनकी लैंग्वेज में हाइपर हो के बोलेंगे। ठीक है हाँ हाँ हाँ, तब पूरा कंटेंट पता चल गया। नहीं आएगा वो गाली वाली भी बन देंगे। ठीक है आओ देखो सब धोती पहन के खड़े हुए हैं। भाई लुंगी डांस करेंगे फिर यहाँ पे। कर सकते हो आप लोग कल नारियल पानी के साथ। हाँ। दोनों जन पता है दोनों साड़ी पहनोगे ना। हाँ। हम लोग अभी इस वक्त हैं मैसूर के मार्केट में, लेकिन हम इनसे मोल भाव करेंगे कैसे? हमको भाषा कैसे समझ आएगी? सब समझा देंगे उनको। नीतू और निकलेस का पूछ के आ जाओ। कहाँ कर सकते थे? सिटी में अपने भोपाल में। हाँ। तो ज्वेलरी करने आया? ज्वेलरी नहीं, यहाँ का कुछ जो स्पेशल होगा वो देखेंगे ना। चल अपन उसके कड़े देखें शोभा के उधर। चल सो यहाँ पर चूड़ियाँ लेते हुए सबकी मस्त मस्त सुंदर सुंदर चूड़ियाँ। तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट आएगा दीदी के दिल की खुशी। तो पर्स कोई लेके नहीं आया। वहाँ नीचे कुछ दिख गया नहीं। शॉपिंग सारी आ रही है ये देखो इधर साड़ी में पहनने का टॉप भी आएगा पूरा चौकर आएगा कांच आएगा। क्या लड़ रहे हो रे? अरे यार यहाँ का मार्केट भी बहुत बड़ा है यार। यहाँ का मार्केट भी बहुत बड़ा है ना। हाँ यार मार्केट यहाँ का बहुत बड़ा है। वो चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं और रेट रेट भी जो है वो भी रीजनेबल प्राइस है। मैंने जो कड़े लिए हैं वो 100-100 रुपए के कड़े हैं खाली। ज्वेलरी भी सही रेट लगा दिया था उसने पता। हाँ अच्छी ज्वेलरी साउथ इंडियन ही है ना।
वैसे तो हमारी बुटीक है लेकिन बाहर आता है ना तो वहाँ के कपड़े लेना चाहिए, मतलब हर सिटी का है ना तीनों, वहाँ की निशानी लेकर जाना चाहिए। तो हमने कड़े भी ले लिए हैं और बाकी कुछ ड्रेसेस भी यहाँ से ले लिए जो कि बहुत ही अच्छे रीज़नेबल रेट पर यहाँ पर मिली है। वाकई में भोपाल से ज़्यादा रेट यहाँ पर रीज़नेबल है और ड्रेसेस भी बहुत प्यारी हैं, कपड़ा बहुत प्यारा है। तो हमने सोचा कि यहाँ से एक एक निशानी लेकर जाते हैं। कर दो टोटल। तो मैं वाइट ले रही थी लेकिन भैया ने वाइट मेरे को नहीं दिया ये वाले भैया ने लेने नहीं दिया, मतलब नहीं वाइट नहीं लोगे तुम तो ये दिला रहा है ना, ये कपड़े दिला रहा है, तो इसने मेरे को ये वाला दिलाया, बोले आप ये वाला लो। और बाकी जो जो हमने लिया है हम आपको घर जाके ब्लॉग में दिखाएंगे। भैया ने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया। शॉप का नाम क्या है भैया आपका? महादेव क्रिएशन। महादेव क्रिएशन, तो आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं जो मैसूर के हैं, यहाँ पर आकर शॉपिंग कर सकते हैं। हमने वो दीदी का ब्लॉग देख के आया तो और डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, मेरा ब्लॉग देख के आओगे तो और डिस्काउंट मिलेगा आपको यहाँ पर, आप यहाँ पर आ सकते हैं। मार्केट का नाम क्या है, एरिया क्या है ये? एच आर स्ट्रेट। तो भैया इसी बात पे मेरे को कर दो डिस्काउंट फटाफट से। पर हमने अपने 2 सब्सक्राइबर 2 फॉलोवर बढ़ा लिए। ये लो है ना चीनो, ठीक है भैया? ओके दीदी, आपको भरोसा हो गया हम यूट्यूबर हैं। अच्छा लगा आपसे मिलके भैया, सब्सक्राइबर बढ़ा दिए। वैसे इस सिटी के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं सब। तो एकदम किधर गया हाथों वाला, वो डलवाने गए ना मसाला। अच्छा लेने गए हैं तो यहाँ पर बैठकर अभी हम लोग खाएंगे। थोड़ा मिर्ची डाल दी, मिर्ची डाल दी, चाट मसाला, चाट इसको मिक्स करना पड़ेगा आपको। ऑलरेडी बहुत तीखा था। तो हमने शब्बू को अपने पास रोक लिया है, पानी गिरने लगा सामान। हाँ सुबह चल चलेंगे और क्या, सुबह चलेंगे। तो यहाँ अब जा रही है शब्बू अपने, क्योंकि इसका होटल अलग है ना, तो ये अभी जा रही है हमको जल्दी सुबह उठ के जाना है, इसलिए अभी काफी रात हो गई है ना। मैं भी अब जल्दी सोऊंगी ताकि सुबह जल्दी से रेडी हो जाए, सुबह जल्दी हमको मिलना है। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय 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 बाय।